एवरीवन, माय नेम इज नोलो सी। मुझे पता है कि आप मेरा ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ये चेहरा बार बार देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है व्लॉगिंग के बारे में, और ये मेरी पहली वीडियो है अभी तक की, तो इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल, और मेरे साथ इस व्लॉग के अंदर बने रहेंगे। मैं कम से कम छोटा ही इससे छोटा व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मेरा पहला बार है और मुझे भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है, क्योंकि सब लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार किसी को देख लिया, मतलब इंसान नहीं जानवर ही देख लिया हो फिलहाल उन्होंने। तो फिर भी चलता है, कॉलेज के लिए मैं निकल चुका हूँ, तो रेडी हो करके, और अभी 8:15 तक के आसपास हो चुका है, तो मैं निकलता हूँ और फिर हमारे घर के पास हमको ऑटो या बस मिल जाती है जिससे हम कॉलेज जा सकते हैं। तो फिर जब मैं पहुँचता हूँ फिर वहीं पर आपको दिखाता हूँ। 1000 years later अभी हम लोग PSRT पहुँच चुके हैं। ये भाई अपना अब है और अभी बस PSRT पहुंचने वाले हैं, गेट के पास पहुंच गए, और फिर उसके बाद 15 मिनट बाकी हम लोगों के पास अंदर जाने के क्लास के। तो यार आज तो दौड़ के जाना पड़ेगा, काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? और अभी आज आप सबको मैं फ्रंट ग्रेट से लेके चलूँगा, पिछली बार दूसरे गेट से लेके गए थे जिससे गाड़ी जाती है, आज फ्रंट से लेके चलेंगे। चलिए फिर। तो गाइस, मेरा मेन गेट SIT का ये खड़े अपने अन्नी भाई। अन्नी भाई कैसे हो ब्रो? ब्लॉगर आ गए अपने। चले चलो, आ रहे हैं। चलो चलो, घर तो आ चुके हैं। ये रहा पीछे कैंपस हमारा, ये 80 acres में भी बना हुआ है पूरा कैंपस। मैंने कल इसके बारे में थोड़ा सर्च किया तो पता चला कि 80 acres में इसमें बी फार्मा डी फार्मा सब कराते हैं, बीटेक। तो अगर आपको करना हो तो कानपुर का बेस्ट कॉलेज में से एक कॉलेज है ये इंजीनियरिंग के लिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। और आइए, हमारी क्लास के लिए सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं, हमें लगता है 100% पक्का है। लेक्चर लग चुका है और पहला लेक्चर हमारा है कैटथ्रॉन का है, और इसकी प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला लेक्चर में भी शायद अभी आधे या एक घंटे का होता है, और इसके बाद फिर एंड हो जाएगा। तो गाइस, अभी ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद चलते हैं। और अभी फ़िलहाल तो प्रॉब्लम देख करके तो समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। चलिए फिर ट्राई मारते हैं, हो सकता है शायद सही हो जाए। लंच हो चुका है और अभी हमारा पूरा लंच वंच कर चुके हैं, ठीक है। और अभी फ्री टाइम बचा था तो हमने कहा क्या करा जाए, कि चलो घूमते हैं थोड़ा, आज मस्ती करें। तो भाई अनिरुद्ध भाई बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ, बोलना चाहता हूँ कि किसी से डीन आ रहा है, डांट ना दे भाई। डीन सर नहीं डांटेंगे, डीन सर हमारे आगे बहुत सपोर्टिव हैं, हमारे के टीचर फैकल्टी मेम्बर बहुत सपोर्टिव हैं। देखते हैं, चलिए फिर मिलते हैं आपको लास्ट में। अभी हमारे कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है, और भाई बहुत अच्छी बात है कि भाई अंकल जी लगाए भेलपूड़ी वाले, बहुत बढ़िया भेलपूड़ी बनाते हैं। आइए अभी एक और भेलपूड़ी बनवाते हैं भाई अंकल जी से, और खाते हैं। आइए, तो गाइस अभी अंकल जी बना रहे हैं। तुम पकड़ने अंकल, अरे आप बनाओ बस, सही बता रहे अंकल जी, एक महीना हो गया खाया नहीं, हमने हर जगह की ट्राई कर ली, हाँ मज़ा नहीं आया हमको। अंकल जी चले गए और मैंने 5 भेलपूड़ी खाई। भाई लोग भी खा रहे हैं, बहुत अच्छी भेलपूड़ी थी भाई, मजे आ गए, इतने घर में खट्टा ही खट्टा खाया भाई, प्रेग्नेंट लगता है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है भाई, बल्कि रियलिटी में बता रहे भाई अंकल जी की भेलपूड़ी बहुत गजब है, कभी आओ कानपुर तो PSRT आना। भाई बात सही है लोंडे की, एक नंबर भाई, बढ़िया बनाई है यार। अबे भाई तुम कुछ कहना चाह रहे हो? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, बहुत मस्त भेलपूड़ी भाई, आना जरूर खाना भाई। भाई रियलिटी में भाई, नहीं मजाक नहीं है, मतलब PSRT के सामने आपको अंकल जी मिलेंगे 5:30 बजे के आसपास, बल्कि आप कभी भी आकर के इसको खाना, रियलिटी में आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मतलब बहुत बड़ी ब्रिलियंट, मतलब हमारे मतलब आपको मत सिखा, मजा आ गया भाई। 10 रुपये में देते हैं
₹10 का पैकेट है ये, और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत अच्छी है। तो गाइस अभी ढूंढते हैं ऑटो, क्योंकि हम लोग को घर भी निकलना है और टाइम भी हो गया होगा 5:30 के आसपास। तो आइए चलते हैं। अबे भाई आ जाओ, तुम भी कहीं खो ना जाना। मस्त जोक मारा ये हंस रहे अलकट हंस। A few moments later. अभी मैं घर की तरफ आ चुका हूँ और थोड़ी दूर यहाँ से मेरा घर पड़ता है। वो ब्लॉग जो छोटा है मुझे भी पता है, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है तो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है सब के बारे में, और जो मुझे सही लगा मैंने उसमें कर दिया है। आपका सपोर्ट चाहिए बस। अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, आई होप कि आपके साथ रहूँगा और आप अगर सपोर्ट दिखाएंगे तो हमारी जर्नी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। और बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसा लोग समझ रहे हैं कि कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया है, तो भाई मेरा मानना है भाई कोई अच्छी नहीं है। तो समझ लो आप, मैं सुबह गया हुआ था और शाम के 5:30 हो रहा होगा आसपास, तो मैं अभी घर पहुँचने अभी नहीं हूँ। अभी घर पहुँचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, क्योंकि थोड़ी दूर पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है फिलहाल पर, लेकिन फिर भी आधा घंटा लग जाता है यहाँ से, क्योंकि मैं पैदल जाता हूँ। तो तो 6:00 बज ही जाएगा लमसम लमसम, और फिर घर पहुंचने के बाद इतनी थकावट होती है कि मन नहीं करता है कोई चीज़ करने का। खाना खाएंगे, फिर खाना खाने के बाद ये लगता है कि जो कॉलेज से वर्क मिलता है या फिर असाइनमेंट्स मिलते हैं तो उनको कंप्लीट करो, और फिर लगता है भाई कि मतलब दोस्ती और यारी तो बिल्कुल एक तरीके से छूट ही जाती है यहाँ से। तो यही सब चीज़ें रहती हैं कॉलेज की लाइफ में। और अगर आप सोच रहे हैं कि कॉलेज अगर आपको मतलब बीटेक या फिर बीसीए करना है, तो भाई एक बात मैं आपको बता दूँगा, वो एक ये चीज़ है कि आप ये तो भूल जाइएगा कि दोस्ती यारी आपके सब सही है, लेकिन सब चीज़ें सही है वो सब एक जगह पे रह जाएंगी, और नेक्स्ट चीज़ आपकी रहेगी वो है आपकी सारी स्टडी और आपका गोल। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। तो गाइस आज यही था हमारे इस व्लॉग में, और इतना ज़्यादा खास नहीं है आई नो दैट, और बट अगर आप साथ रहे और सपोर्ट किया आपने तो आई होप कि आगे भी और इससे अच्छे अच्छे व्लॉग बनेंगे, क्योंकि अभी मैं विजिट करने वाला हूँ, सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा मेरा, तो मैं घुमाऊंगा आपको कानपुर के एक बड़े बड़े जगह लेके चलूंगा, अच्छी जगह फेमस जगह लेके चलूंगा, और आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कराऊंगा। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।